विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा का दूसरा पाठ बापू की कुटिया में इसकी बात करने जा रहे हैं। आगे जो हमने लेसन देखे इसमें काव्य की बात की थी, आज हम पाठ की बात करते हैं। दूसरा पाठ है बापू की कुटिया में, इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर इस पाठ के अंदर जो बात की है, बापू की बात आती है, इसीलिए हमें पता चल जाता है कि बापू कौन है। सिर्फ हमारे नहीं मगर हमारे पूरे देश के, हमारे पूरे देश के वो बापू है जिसको हम गांधी जी कहते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर पूरे विश्व में उसका नाम है। ऐसे बापू की हम बात करने आज जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक बेनीपुरी जी ने गांधी जी के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है कि मैं लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का जो रंज है, जब लेखक जिंदा थे उस वक्त वो गांधी जी से नहीं मिल पाए, इसलिए इस बात का उसको रंज है। रंज यानी कि दुख, दुख है। इस दुख को यहां पर उन्होंने व्यक्त किया है। तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को वो भाग्यशाली समझते हैं। काश मैं गांधी जी को नहीं मिल सका मगर आज उनकी जो ये कुटिया है, उनका जो आश्रम है ना, वहाँ पर ये जो कुटिया है उनकी, उनकी हर एक चीज को मैं देखकर, उनको स्पर्श कर कर आज मैं अपने आप को ये आत्मसात करता हूँ मैं, कि आज मेरे पास बापू है, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज उनकी जो चीज है उन चीज को मुझे आत्मसात करने का अवसर मिला है। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। लेखक बापू आज नहीं है मगर उनकी कुटिया में जो उनकी सारी चीजें हैं बापू की रखी हुई, इन सब चीजों को देखकर, उनको स्पर्श कर कर वो ऐसा समझते हैं कि आज बापू हमारे आसपास ही है, जो आज हमें भी महसूस होता है। उनकी कही हुई हर एक चीज, उनके बताए हुए हर एक रास्ते, ये हमारे जीवन में हमें कुछ करने को कहते हैं, इसलिए आज हमें महसूस होता है कि बापू हमारे पास है। यहां पर रामवृक्ष बेनीपुरी यानी लेखक को उन सभी चीज जो है गांधी जी की, उन सबको देखकर उनको ऐसा लगता है कि गांधी जी हमारे पास है। इस पाठ का यह सारांश है। आप लोग इस पाठ को घर बैठकर अच्छी तरह से पढ़ो, एक बार नहीं मगर दो बार तीन बार पढ़ लो, तभी आपको पता चल जाएगा कि इस पाठ के अंदर लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। वो हमें बापू के नज़दीक ले जाना चाहते हैं, बापू के विचारों को, बापू की रहने की जो कला थी, किस प्रकार वो अपने जीवन के अंदर रहते थे, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर एक कुछ पंक्तियाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं बैठकर कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, पर मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य वो तो मैं नहीं जानता हूँ, आप थे तब मैं यहाँ पर नहीं आ सका। मैं जानता नहीं हूँ कि वो मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य था। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्वव्यंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लोगों ने तो इन सब बातों का जो लाभ लिया है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे ये कुछ मिला नहीं है। लोग देश से नहीं मगर परदेश से भी आते थे, आकर ऐसे विश्वव्यंद्य व्यक्ति जिसको आज सारा विश्व मानता है, ऐसे व्यक्ति को चरण स्पर्श करना मुझे नहीं मिला तो मेरे लिए कौन सी बात है? सौभाग्य की बात नहीं है मेरे लिए, तो वो दुर्भाग्य की बात है। ऐसी बात वो यहां पर करते हैं। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था, यानी हमारे गांव में भी आए थे तुम, अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से तुम्हारे चरण पर से अपने जीवन को मैं कृत्य कृत्य करता, पर यह सब मुझसे कभी नहीं हो सका। आपके चरण परस करके मैं कृत्य कृत्य यानी कि धन्य धन्य हो जाता, मगर ये सब मुझसे नहीं हो सका। इसीलिए आज लेखक को बहुत पछतावा होता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन नहीं किया कि जिसके दर्शन के लिए पूरे दुनिया से लोग आते थे, मगर मैं रह गया। किंतु देखता हूं और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। आज मुझे मेरा ये दुर्भाग्य दिखाई देता है, मेरे सामने दिखाई देता है कि मेरा दुर्भाग्य कैसा है। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत बहुत सच है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? ये भी एक प्रश्न था कि उस वक्त जो मैं गांधी जी जिंदा थे, उस वक्त मैं उनकी कुटिया में जाता तो क्या आज मैं जितनी देर तक यहाँ पर इस कुटिया में इन सारी चीज़ों के साथ में बैठता हूँ, क्या उस वक्त मैं बैठ सकता? नहीं। इसीलिए ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है वो मुझे पता नहीं चलता है। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादाद्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था मैं? अरे, तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या मैं कर सकता था? नहीं, आज ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा पुरातन पुण्य है, इसीलिए आज मैं यहाँ आकर बैठ सका हूँ। वरना हम कितनी भी कोशिश करते हैं मगर हम काम नहीं कर सकते, मगर आज हम ये कर सकते हैं। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चट्टाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया श्वेत शुभ्र बिस्तरा बापू, यानी आज ये लेखक जो बात करते हैं बिस्तरे की, उनकी सब जो चीज़ है उन चीज़ की बात करते हैं, वो अभी हम आपको दूसरे लेक्चर में समझाते हैं। अस्तु।